भजन से ही ईश्वर की कृपा संभव है, ये बात पंडित शिवम महाराज ने कही। विदिशा में चल रहे श्री हरि वृद्ध आश्रम में 3 दिवसीय भागवत कथा में नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भजन से ही मानव को भव सागर से पार लगा सकते हैं। व्यक्ति को जीवन में भजन जरूर करना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा हमारी संस्कृति है, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यह उद्धार कथा व्यास पंडित शिवम महाराज ने श्री हरि वृद्ध आश्रम के पूजा कक्ष में व्यक्त किया। गौरवतल है कि उनके द्वारा बुजुर्गों के आध्यात्मिक कल्याण हेतु पितृ पक्ष में 3 दिवसीय हरि नाम संकीर्तन कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के दूसरे दिन उन्होंने बुजुर्गों को हरि माय होने की बात कही। इस अवसर पे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की विदिशा नगरी धन्य है, जहाँ इतने अधिक संख्या में बुजुर्गों की उनके घरों से बेहतर सेवा हो रही है और इस बुजुर्गों का आशीर्वाद समाज की युवा शक्ति को मिल रहा है। श्रवण कुमार तो एक आदर्श पुत्र थे, परंतु श्री हरि वृद्ध आश्रम की टीम हजारों श्रवण कुमार बनकर सेवा कर रहे हैं। कथा के दौरान भजनों के माध्यम से बुजुर्गों ने भक्ति का आनंद लिया। कथा संयोजक डॉक्टर ओपी लोधी, भजन गायक धनराज महाराज, अंशुमन विश्वकर्मा, सुमित दांगी ने कथा में संगीत का संचार किया। इस अवसर पर आश्रम अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा, संचालक वेद प्रकाश शर्मा ने कथावाचक पंडित शिवम शर्मा का अभिनंदन किया। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। उसके बाद फिर वो राम राम जगह वो हेली हेली में बोलते 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 राम राम मारा 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 बोलते रहे, तो वो उल्टा नाम जपने लगे। बस उन्हीं के वही के दिल में लगा मारा 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 मारा, अपन बोलते मारा मारा मत बोल, नहीं मर जाएगा सब सब बोल। तो ऐसे राम राम और यदि आप मरा मरा भी बोलते हैं ना, तब भी राम बनता ही है उसका। मरा मरा 3 बार लिखोगे ना तो 1 बार राम उसका बन जाएगा। तो उस जब उसने 3 बार बोला तो उसमें 1 बार राम भगवान ने स्वीकार किया उसको। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने तो सामने सन्मुख आकर उस भगवान ने उसको वरदान दे दिया कि तुमको जैसे ही तो वैसे करोगे। तो उसने बोला